जी घर के हालात जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। वालदा की तबीयत ख़राब हो जाती है तो इसकी दवाई भी नहीं होती और ना पास पैसे होते हैं कि इनकी दवाई ले आए। बच्चियां दी शादी की थी, असी दो मामा तियाँ, एक मेरा मियाँ है वो अखा तो नबीना है, मजदूर है, लेकिन अब जो है वो हमें एक टाइम का भी खाना नहीं मिलता। घर में नलका नहीं लगा हुआ कि पानी भर लें, हम बाहर से लोगों के घरों से पानी भर के लाते हैं। बहुत ही फर्क आ गया, बहुत ही हुंदी जिंदगी जलालत दी है, पहलो दी जिंदगी थोड़ी चंगी गुजरी है जो मियाँ बीवी काम करते सा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। मेरे साथ माँ जी और उनकी बेटी मौजूद हैं। माँ जी की उम्र तकरीबन 50 से ज़ायद हो चुकी है और माँ जी ने अपनी सारी उम्र में मेहनत करके, मजदूरी करके अपनी दो बेटियों की शादी की। अब तीसरी बेटी की शादी करनी है, इनकी रुखसती करनी है, तो इनके पास पैसे नहीं हैं। अब मेहनत नहीं कर सकती क्योंकि अब बीमारियों में मुब्तला हो चुकी हैं और इनके खामद भी बीमार हैं, वो माजूर हो चुके हैं, नाबीना हो चुके हैं। इन्हीं से जानेंगे कि किन हालात से ये गुज़र रही हैं और इनकी ज़िंदगी कैसी गुज़र रही है। माँ जी किस तरह की ज़िंदगी गुजरती? बेटा ज़िंदगी की गुजरनी है, बच्चियां दी शादी की थी, असी दो मामा तियाँ, एक मेरा मियाँ है वो अखा तो नबीना है, मजदूर है, पहले तो काम करता सी, वो भी करता सी, मैं भी करती सां, ते असी बच्चियां दी शादी की थी। हुण असी दोवें जी नहीं काम कर सकते, हुण की कर सकने आ, हुण ए बच्चे दी शादी करनी है, असी बहुत मजबूर हाँ, असी घर दी रोटी तो मजबूर हाँ। देखो पानी लई कूलर कोई नहीं और जिहड़ा ना कोई चीज़ नहीं है, आस पास वाले जिहड़े साडी मदद करदे ने थोड़ी बहुती तो असी रोटी खाने आ। ते दूसरा हुण मेरी बच्ची कोलों पुछ लवो। बहन क्या महसूस होता है, माँ बुरी हो गई है, बाप बुढ़ा हो गया है, वो मेहनत नहीं कर सकता, कैसे ज़िंदगी गुजार रही हो? घर के हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हुए हैं। पहले मेहनत करके लाते थे, कमा के लाते थे, सुकून की रोटी खा लेते थे, लेकिन अब जो है वो हमें एक टाइम का भी खाना नहीं मिलता। घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। अगर बाहर मैं जाती हूँ तो बाहर का माहौल इतना ख़राब है कि कोई काम करने नहीं देता, लोग तंग करते हैं, परेशान करते हैं, इसलिए जो घर के हालात जो हो चुके हैं, माशी हालात जो हमारे हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हुए हैं। हमारे घर में नलका नहीं लगा हुआ कि पानी भर लें, हम बाहर से लोगों के घरों से पानी भर के लाते हैं, पीने के लिए ठंडा पानी भी नहीं है। कूलर है एक, वो भी टूटा हुआ है, ख़राब है। पंखे हैं हमारे घर में एक ही स्टैंड वाला, वो भी टूटा हुआ है, ख़राब है। छत वाले पंखे भी नहीं है, गर्मी है, हमारे हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। बेटा मैं इनू भेजा तो बाहर जो लोग ने बड़ा तंग करते ने, जवान मेरी बची है, हूँ की हो सकता, की करा मैं? तुहाड़ी खामद की करदे सी? मेरा खामद जिहड़ा है ना, पहले बस मेहनत मजदूरी करता सी, दिहाड़ी करता सी राजा पिछे, हूँ नहीं वो कर सकता, हूँ अखा तो भी रह गया, पैर भी वो नहीं काम करते, की करे? मैं खुद बीमार हाँ, मैं दिल की मरीज़ हाँ, मैं नहीं कर सकती काम। पहले काम करदी सां, थोड़ा बहुत काम कर लेंदे सां, घर दे हालात जिहड़े थोड़े बहुत ठीक सन, बच्चियां मेहनत करदियां सन, शादी कर दी थी, हुण एक बच्ची रह गई, इहदी शादी करनी है, हुण मेरे कोलों काम नहीं हुंदा। किस तरह करोगे ब्याह इहदा? बस इसे तरह ही अल्लाह वारस है, खुदा करे हो जाए, इहदी शादी हो जाए, रिश्ता इहदा मैं कीता है, अपने च ही कीता? हाँ जी अपने च ही कीता है, तो हुण इहदी शादी करनी है, हुण की करां मैं? मैं बहुत परेशान रहिंदी हाँ सुबह शाम, दिल दी मैं मरीज़ हाँ। पहले दी जिंदगी ते हुण दी जिंदगी च की फर्क आया? बहुत ही फर्क आ गया, बहुत ही, हुण दी जिंदगी जलालत दी है, पहलो दी जिंदगी थोड़ी चंगी गुजरी है जदों मियाँ बीवी काम करते सा, और मैं की कर सकनी हाँ, कोई बच्चा नहीं है कमाण वाला, बेटा कोई नहीं, नहीं तो बच्चिया ही सन, तीन, दो दी शादी कर दीती है, एक है इहदी शादी हुण मैं करनी है। बेटियां काम करदियां सी पहले? पहले बेटियां काम करदियां सन फैक्ट्री च, उदो हालात थोड़े ठीक सन, उन्होंने मैं शादियां कर दी, हूँ हालात बहुत ख़राब ने, बाहर मैं इन किस तरह कड़ा? क्या उम्र हो गई बेटी? बेटी की उम्र हो गई 22-23 साल। तो किस तरह से आप मैनेज करेंगी, ना खुद कमा सकती हैं, ना शोहर कमा सकता है, आप बीमार हैं, क्या करेंगी? अल्लाह वारस से फिर की कर सकनी हूँ मैं, बस मैं तो खुदा। आपको रोना नहीं आता माँ बाप को देख के, अपनी ज़िंदगी को देख? जी घर के हालात जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, रात को नींद नहीं आती, वालदा की तबीयत ख़राब हो जाती है तो इनकी दवाई भी नहीं होती और ना पास पैसे होते हैं कि इनकी दवाई ले आए। घर के हालात बहुत ख़राब है,
जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं उनसे यही इल्तजा है कि हमारी हेल्प करें, मेरी माँ का इलाज भी हो जाए और हमारी रुखसती भी हो जाए। आपने बच्चों को पढ़ाया था? नहीं जी, पढ़ा नहीं सके। नहीं, कुरान पाक पढ़िया ने। बिल्कुल जी, अभी जिस जगह मैं बैठा हुआ वहाँ पे पंखा तक नहीं है, एक सिर्फ बल्ब लगाया हुआ है और जिससे इस कमरे में रोशनी है, और ये किराए का कमरा है और ये इन्हीं को पता है कि किस तरह से किराया भी मैनेज करती हैं। स्क्रीन पे मैं इनका नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पे इनसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इनकी मदद कीजिएगा। रमज़ानुल मुबारक का महीना है, इस महीने में तो आप एक रुपया भी अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं तो अल्लाह ताला वो डबल करके आपको देगा। तो प्लीज़ अपने इर्द गिर्द ज़रूर देखिएगा कि जो लोग गरीब हैं और इस चीज़ के मुस्तहिक हैं कि उनकी मदद होनी चाहिए, तो ज़रूर कीजिएगा। इन बहन से आप रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उस नंबर पर रब्ता करके आप इनकी जितनी ज़्यादा माली मदद हो सके कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अल्लाह नेगहबान।